नमस्कार, आदाब। आप सभी का स्वागत है न्यूज क्लिक में। मैं हूँ सुमेधा। आज हम बात करने वाले हैं आदिवासियों पर और किस तरह से कोरोना काल में महामारी के दौरान आदिवासी समूहों पर किस तरह का उत्पीड़न हुआ है, उनकी जमीनी स्थिति क्या है। और आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ पर, जहां पर लार्ज स्केल प्रोटेस्ट चल रहे हैं लैंड एक्विजिशन के खिलाफ, स्टेट के क्रैकडाउन के खिलाफ, और किस तरह का वहां पर रेजिस्टेंस चल रहा है। इन्हीं सब मुद्दों पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ रही हैं छत्तीसगढ़ के दांतेवाड़ा इलाके से आदिवासी लीडर, टीचर एंड एक्टिविस्ट सोनी सोरी जी। सोनी सोरी जी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज मैं सबसे पहला सवाल आपसे यही पूछना चाहूंगी कि किस तरह का क्रैकडाउन हो रहा है वहां पर। कोरोना काल के तहत हमने देखा है कि बहुत सारे प्रोटेस्ट जो है वो स्टेट में चल रहे हैं, अपने जल, जंगल और जमीन की लड़ाई के लिए आदिवासी काफी ज्यादा प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सड़कों पर हैं, रेजिस्टेंस मूवमेंट काफी जोरों शोरों से चल रहा है। तो स्टेट का क्या रवैया रहा है कोरोना के समय आदिवासियों के प्रति, सबसे पहले ये बताएं। फोर्स गांव-गांव में घुस के जो ऐसे लोगों को, हमारे आदिवासी लोगों को उठा उठा के ला रहे हैं, जेलों में फूस रहे हैं, उसकी वजह से इतना ज्यादा, क्योंकि हमारा ये कहना है कि जब कोरोना की वजह से लॉकडाउन है, मतलब लॉकडाउन की पूरे देश भर में ऐलान किया गया है, और उसके बाद भी बस्तर में जो फोर्स है, जो भी यहाँ से जितने फोर्स है, अपना ये पुलिस फोर्स, पुलिस बल जवान पूरे गांव में जाते हैं, उनके साथ एक झुंड के झुंड बना के 400-500 इस तरह से एक संयुक्त फोर्स बल बन के जाते हैं गांव में, गांव के अंदर जाके उनको उठा के ला के जेलों में डालते हैं। उसके बाद जब वहाँ के लोग आवाज उठाने के लिए आगे बढ़ते हैं तो उन पे 144 की धारा की बात कह देते हैं। आप कुछ भी आवाज नहीं उठा सकते, आप कुछ भी नहीं बोल सकते। जैसे लॉकडाउन के चलते जो हुआ है, और यहाँ पर ना हमारे बहुत ज्यादा लोगों को जेलों में भी ले गए हैं, और उस दौरान, अब ये आपको आंकड़ा बता दे रही हूँ कि जो मार्च से लेकर अभी तक का जो हमारे आदिवासी का जो मुठभेड़ के नाम से पुलिस के द्वारा जो अत्याय हुई है, और उसको मुठभेड़ का नाम दे रही, वो मुठभेड़ नहीं, ये लॉकडाउन के चलते महामारी बीमारी की जो शुरुआत होने के आज तक का पुलिस बल के द्वारा, पुलिस फोर्स के द्वारा हमारे आदिवासी की संख्या जो अत्याय की गई है वो भी 20 के लगभग है। और नक्सल ने भी पुलिस के मुखबरी, हमारे आदिवासियों को मुखबरी के नाम से नक्सलवाद ने भी जो अत्याय किए हैं वो भी 20 के लगभग है। आप सोच सकते हैं इन 6-7 महीनों में हमारी लगभग 40 से 45 लोगों की हत्या हो चुकी है इस लॉकडाउन में, जिसकी आवाज या आंदोलन या किसी तरह की चीजों को भी नहीं उठा पाए हम लोग। ये कहा जाता था कि नहीं, अब 144 के धारा के तहत हम कुछ भी नहीं कर गए, चुपचाप हमारे आदिवासी बर्दाश्त करते रहे, लेकिन इस लॉकडाउन में इतने लोगों की ये चीजें, मैं इनकी जो हत्या की आंकड़ा बता रहे, लेकिन उस दौरान में कितने अनगिनत लोगों को जेलों में डाला गया, और उसको, लेकिन इस बात में हमको ये है कि जब लॉकडाउन के समय 144 की धारा की बात, तो क्या 144 के धारा और ये चीजें सिर्फ आम आदिवासी पर लागू होता है, छत्तीसगढ़ की जनता पर लागू है, ये चीजें क्यों सरकार के जो जैसे सुरक्षा बलों के ऊपर क्यों नहीं हुआ, कैसे उनके लिए भी तो ये नियम लागू होता है। तो बार बार गाँव से भी हमको यही कहा जाता था कि फोर्स तो आ रही है हमारे पास, फोर्स तो हमको खदेड़ने लगी है, हमको भगाने लगी है, गांव में घुसती है, हमारे घरों में घुसती है, हमारे लोगों को पकड़ के ले जा रही है, घर से उठा के ले जाके उनकी हत्या करके नक्सलवाद बता रही है, लेकिन उनके लिए कोई 144 धारा नहीं। हम लोग 15-20-50 ऐसा झुंड के झुंड बना के थाने जाते हैं, हमारी बात उनको बताने की कोशिश करते हैं, जिसको आपने मारा है या पकड़ा है वो हमारे किसानी है, हमारे आदिवासी भाई है, हमारे पति है, या हमारा बेटा है, या हमारा चाचा, तो हमको डंडों से मार मार के भगाया जाता है। बोलते हैं ज्यादा नौटंकी करोगे तो देश भर में 144 का धारा लगा, उसके तहत आप लोग का अंदर कर देंगे। ये कोरोना की बीमारी का ये वो चल रहा है, इस कोरोना में आप लोग को दूर रहना है, ये सब चीजें हमको बताते हैं, लेकिन हमारे व्यक्ति को झुंड बना के इस तरह पकड़ के ले जाने का ये कैसा, मतलब ये चीजें यहाँ बहुत ही ज्यादा उससे हो रही है। इसके दौरान आपको भी पुलिस ने सम्मान किया था? हाँ, और कुछ के बारे में बताइए। कांग्रेस सरकार ने अपने वादे किए थे कि हम जो निर्दोष आदिवासी हजारों के तक, कई हजार तादाद में जेलों में बंद है, उनको हम निशर्त रिहा करेंगे, उसे लेके मतलब पूरे, मतलब
अब 2 साल होने को है कांग्रेस सरकार के बना हुआ जी। तो अब लोगों ने सोचा कि भाई कांग्रेस सरकार ने तो कहा था सरकार हमारी बनेगी तो हम लोग छोड़ देंगे, लेकिन अभी तक क्यों नहीं छोड़े? अब हम कब तक कोरोना की बात हमसे कहते रहेंगे? 144 धारा बना लगा है, आप लोग कुछ नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते। फिर सरकार भी तो अपने वादों को निभाए, हम ये सब अब नहीं, बहुत हो गए, हम नहीं सह सकते। हम अपनी बात को रखने के लिए हम वो जंगलों से निकल के कोई 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, कोई 50 किलो, पूरे मतलब बच्चे बूढ़े सब लोगों ने इकट्ठा हुए, वो लोग ये कहने के लिए कि हम अपनी बात सरकार को बताना चाहते, आपने जो वादा किया हमारे लोगों को रिहा करिए। तो उसके लिए पूरे मतलब 3 जिले, बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, ऐसे जिले के पूरे लोग मिलके एक जिला में अपना बात रखने के लिए कम से कम कुछ नहीं तो 10-15 हजार पब्लिक, पूरी जनता जमा होने की, वो अलग अलग टुकड़ों में जमा हो रहे। उस दौरान पुलिस बल ने हर जगह पहुंच के उनके साथ लाठी चार्ज की, और जहां शामगिरी जो जगह है, शामगिरी में जो हालत हुई उस जगह में ज्यादा जनसंख्या थी, पुलिस वहां बहुत ज्यादा संख्या में गई, पूरी दौड़ा धौड़ा के उनको मारा पीटा, महिलाओं को नहीं छोड़ा, बूढ़ी बूढ़ी माताओं को नहीं छोड़ा, जो बच्चों को मतलब महिलाएं अपने गोद में रख के बच्चों लेके आए थे उनको नहीं छोड़े, पूरी मतलब बुजुर्ग हो, महिला हो या ऐसे युवा पीढ़ी, किसी को नहीं छोड़ी, अंधाधुंध लाठी चार्ज उनपे किया। जब मुझे, मैं नहीं गई थी, अब वो लोग अपने आंदोलन कर रहे थे, तो जब मुझे पता चला कि भाई इस तरह से उनके साथ हो रहा है, उसके बाद में दूसरे दिन जब मैं वहां गई तो मैंने देखा कि पूरे लोग अपना खाना चावल दाल सब लेके निकल गए थे, उन सारे को फेंक फेंक के भागे, ऐसे बुरे हाल में भागे, और एक पहाड़ के इलाकों में वो लोग एकजुट होके रहे। तो उस समय जब मैं पहुंचने के बाद मैं सबको पता लगाए, पूरी सामान चप्पल उनके खाना पीना सब पूरा तस नस करे एक मैदान में लोग की जाए, तो फिर मैंने इधर उधर लोगों से पूछ रही हूँ करे, फिर मैं उन पहाड़ों के अंदर में जब आदिवासी एकजुट होके अपने सहमे हुए डरे हुए पूरी घायल अवस्था में ये लोग थे, तो उनसे हम लोग बात किए, आप लोग वापस उतरी हो, आप आइए पहाड़ों से, अब इस मैदान पे आई, नहीं हम नहीं आएंगे क्योंकि हमको इतना मारे, मतलब पूरे डर हो गए। फिर बड़े मुश्किल से हमको उतारने में 1-1.5 घंटा लगा, ऐसा करके उनको जमा के, जमा करने के बाद हमने पूछा कि क्या बात है, तो उन्होंने पूरी बात बताया कि हम कोई मांग नहीं कर रहे थे, बस डॉक्टर अम्बेडकर की तस्वीर थी उनके हाथों में, संविधान बचाओ की थी, और उन्होंने अपने बैनर में ये लिखा था कि हमारे जो जेलों में बंद है उन निर्दोष आदिवासियों को आप रिहा करो, आपने वादा किया था, ये सब था एक लीगली सिस्टम से वो लोग अपना बात रखने के लिए आए थे, ये वो हमको बताए। लेकिन वो बोले कि हमारे 15 लोगों साथियों को भी मार मार के गाड़ियों में भर के ले गए, और उसके बाद दूसरी जगह से बता रहे हमारे 9 लोगों को भी ले गए, और उनको बोल रहे हैं कि नहीं ये माओवादी हैं, ये वहां पर बम लगा रहे थे। फिर उसके लिए हम सब लोग ने मिल के फिर फाइट किया, फिर बोले इस जगह जहां पर आंदोलन से उठा के आप ले गए हो और ये कह रहे हो कि ये कहीं बम लगाने के लिए तैयारी में थे उस समय पकड़े, से कितना झूठ बोलोगे शासन प्रशासन से, हम लोग भी बारी पड़ गए, फिर लोगों ने भी जमा हो गए, इस तरह करने से उन 15 साथियों को मजबूर हो गए, पुलिस प्रशासन ने लोगों को दिया वापस किया। तो मेरा इसमें ये कहना है कि अगर इस तरह की अगर आंदोलन भी कर रहे हैं और वो अपनी बात रखना चाहते हैं सरकार के पास, सरकार की बोली हुई बात पे वो आप अपने वादे से कायम रहिए, आप अपने वादे को निभाइए, ये बोलने के लिए आ रहे हैं, तो उनके साथ लाठी चार्ज हो रहा है, उनके साथ घायल अवस्था में मारपीट कर, ये क्यों, ऐसा किस है? अभी जैसे मेरा भी अभी इस दौरान कि मतलब अभी जैसे मेरे पास NI की टीम आई थी मुझसे पूछताछ करने के लिए, ये क्या चुनाव के बाद वो जीते थे भीमा मंडावी जी, वो एक विधायक थे, उनको ये नक्सल के मुठभेड़ मतलब नक्सल ने बॉम्ब विस्फोट पे उनकी इस तरह से मतलब उनको हत्या हुई, और उन्होंने ये नक्सलवाद ने ये किया, ये पूरा स्पष्ट हुआ, नक्सलवाद ने भी इसको स्वीकारा कि हमने इसको ऐसे करके उसकी हत्या किया, ये सारे बात है। फिर भी उस केस में मुझे रगड़ा गया और मुझे उस केस में ये लपटा गया कि ये सोनी सोढ़ी वो भीमा मंडावी की हत्या में कहीं ना कहीं साजिश करता है। तो जब NI ने मुझे मतलब पूछने के लिए एक नोटिस दिए कि आप आइए अपना बयान यहाँ से 80 किलोमीटर जगदलपुर में बुलाए, तो मेरी तो तबीयत कुछ खराब चल रही थी, जिसके चलते मैंने सारे टेस्ट करते करते मैंने कोरोना का भी टेस्ट हुआ मेरा, तो मेरा कोरोना पॉजिटिव हुआ। मेरा कोरोना पॉजिटिव होने के बाद मैं NI को मैंने बताया कि नहीं मेरा तो कोरोना पॉजिटिव हुआ है, आप लोग ने 25 को बुलाया, मैं 23 तारीख को टेस्ट की थी, तो मेरा यही है, मैं कैसे आऊँ? तो
वो कहने लगे इस परिस्थिति को हम देखते हैं क्या करना है। लेकिन कुछ देर बाद फिर एनआई ने बोलते नहीं आप बहुत झूठ बोल रहे हो, ड्रामा कर रहे हो, नहीं आपको कोई कोरोना उराना नहीं हुआ है, आप बिल्कुल ठीक हो, आप नेगेटिव आप आइए हमको बयान देने के लिए। तो उस स्थिति में मैं बोली नहीं सर, मैं अपना कुछ रिपोर्ट भी भेजा जो थोड़ा वो दिए थे किट, उसको भी भेजने के बाद भी वो एनआई ने इस तरह से बोले मुझे बुलाए। बुलाने के बाद मैं 80 किलोमीटर यहाँ पर पुलिस ने क्या कर दी थी, किसी को भी गाड़ी सोनी शोड़ी को बयान देने के लिए मेरे पास गाड़ी नहीं तो मैं टैक्सी करती हूँ, मेरे को टैक्सी तक नहीं दिया गया, या पूरे हमारे टैक्सी वाले को ये डरा के रख दिया गया सोनी शोड़ी को कोई टैक्सी नहीं देंगे। मतलब वो ये चाहते थे कि एनआई के पास अपना बयान देने ना पहुंचे ताकि एनआई इस पे उससे भी बड़ा कार्रवाई करे, ये इनकी साजिश था। लेकिन हमने मोटरसाइकिल में यहाँ से 80 किलोमीटर उसने तबियत खराब होने के बाद भी गए और एनआई के सामने हम पेश होने से पहले बताए सर मेरा निगेटिव नहीं है पॉजिटिव है। फिर एनआई टीम बताती है आपके यहाँ का जो एसपी है उसने हमारी पुष्टि कर दी है आपको कोरोना नहीं हुआ है, आप पॉजिटिव में नहीं निगेटिव में आप अपना बयान दी। मैं जैसे बयान दी 6 घंटा में बयान दे के जब मैं वहां से निकलती हूँ, निकलने के बाद फिर मेरे को डॉक्टर मतलब ये क्वारंटाइन के यहाँ से मतलब अस्पताल से कोविड से फोन जाता है मेरे को कोविड अस्पताल से, मैडम आप कहाँ हो? तो मैं बोली मैं कहाँ हो सकती हूँ, मैं एनआई की एनआई टीम बुलाई थी मैं बयान देने के लिए मैं जगदलपुर आई। मैडम ऐसे कैसे आप जा सकते हो, आप कोरोना पॉजिटिव में आप नहीं जा सकते। तो मैं बोली भाई आप इन लोग तो मुझे निगेटिव बना दिए हो मैं क्या करूँ। उसके बाद देखिए उसके बाद मेरे ऊपर एफआईआर होता है, सोनी शोड़ी ने उल्लंघन किया है, अब वो पॉजिटिव में होते हुए और वो बयान देने के लिए गई है। तो पूरी तरह से एक तरह से आपको हर तरह से घेर लें की कोशिश की गई बिल्कुल। तो आदिवासी आवाजों को कमजोर करने की पूरी कोशिश तो कर ही रही है सरकार, साथ ही में मिलिट्राइजेशन जरूर वो ज्यादा करना चाह रहे हैं, उसके तहत उन्होंने कुछ सिक्योरिटी कैंप्स बनाने का काम वहां पर शुरू कर दिया है जिसके खिलाफ भी जमीनी तौर पर एक बड़ा आंदोलन चल रहा है, तो उसके बारे में आप बताइए। देखिए यहाँ जितनी फोर्स बढ़ रही है फोर्स कभी कम होने को नहीं है, हमेशा बस्तर में फोर्स की संख्या मिलिट्री की संख्या यहाँ कैंप के ऊपर कैंप लगाया जा रहा है। हमारा सवाल है कि आपने पहले से इतने फोर्स लगा दी इतने कैंप लगाए, उस कैंप लगाने के बाद भी आप बार बार ये कहा जाता है कि हम तो नक्सल के साथ लड़ने के लिए कैंप लगाए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ नक्सल का कोई नुकसान नहीं हुआ, आप कोई भी बता देना नक्सलवाद का कोई नुकसान नहीं हुआ, नक्सलवाद अपनी जगह अपनी तरह वो लोग अपने में मस्त हैं, उनके साथ कोई भी इस तरह की मतलब तकलीफ ही नहीं है। तकलीफ हुआ है तो मगर जेल गया तो आदिवासी, मर रहा है आदिवासी और या तकलीफ को जूझ रहा है तो आदिवासी। और ये जो मिलिट्री फोर्स है ये बार बार पूरे देश भर में ये बताया जा रहा है कि नहीं हम तो आदिवासी की सुरक्षा के लिए वहां पर हैं, हम नक्सलवाद से लड़ रहे, लेकिन नहीं है, हमारे पास डाटा है, अगर आप बोलेंगे तो क्यों ये फोर्स आई है और क्या क्या करने के लिए सारे चीज हमारे पास थे, उसको अगर समय वो देखते हुए करें तो मैं पूरा आपको दे सकती हूँ लिखित में। जहां जहां पर भी फोर्स लगा है वहां माइनिंग को खोलने के लिए एमआई उनकी साइन हो चुका है, एनओसी दे दिया गया है, लेकिन आदिवासी के आंदोलन आदिवासी के संघर्ष के कारण वो लोग अभी वो लोग क्या उनकी माइनिंग नहीं खोल पा रहे। उदाहरण के लिए अभी आलनार है जो एनएमडीसी ऑलरेडी बहुत पहले से खुला MNMDC के ही से लगा हुआ एक आलनार है गुनियापाल में, उस वहाँ की माइनिंग को खोलने के लिए वहाँ के जो हमारी तरह एक लीडर कुछ भाई लोग लड़ रहे थे उनको नक्सल के नाम से उनकी घरों से ले जाके हत्या कर दिए, ये पहला काम किए ताकि इनको पहले मारेंगे तब हम लोग यहाँ माइनिंग लगा पाए। उनकी हत्या हुई, उनकी हत्या होने के बाद अब वहाँ पर कैंप लगाने की तैयारी चल रही है और वहाँ कैंप लगा के वहाँ माइनिंग करने की बात हो रही है। तो अभी वर्तमान में लोगों ने वहाँ पर भी 10,000 के तागातों में रैली निकाल के बोले कि आप चाहे कुछ भी कर लो लेकिन हम यहाँ माइनिंग मतलब यहाँ हम नहीं होने देंगे, ये हमारा जल जंगल जमीन है, हम पहाड़ों में जिंदगी जीने वाले हैं, हम इन पर्यावरण के साथ जीने वाले हैं, इस जमीन से हम लोग जुड़ के जीने वाले हैं, हम हमारी जमीन को हमारे पहाड़ों को हमारी कुछ चीजों को हम खोदने नहीं देंगे, चाहे आप कुछ भी बोलो हम मरने को तैयार है लेकिन अपनी जल जंगल जमीन को बचाने के लिए पर नहीं दे। लेकिन लगातार वहां पर संघर्ष चल रहा है और अभी कैंप ले जाने के बाद वहाँ आदिवासी डटे हुए हैं। आपको बता दूं पोटाली नाहड़ी वहां पर भी माइनिंग करने के लिए वहां पर भी कैंप ऑलरेडी पोटाली में लगा, फिर अब नाहड़ी में कैंप लगाया जा रहा है। वैसे आपके नारायणपुर जिला में भी कितने कैंप लगाए हैं और वहां पर भी कैंप लगाने के बाद सीधा पहाड़ों को खोदने की बात होती है। नेरली में कैंप लगा है वहां पर भी बात है, हमारे पास कागज है
उसमें कौन सी माइंड करने वाले हैं, किस चीज का करने वाले हैं, ये मैं आपको बकायदा लिखित में और ये चीजों को हम दे सकते हैं कि कैसे इन लोग माइंड करने के लिए पहले कैंप लगाते। तो आप ये बताइए, अगर ये लोग मतलब जिंदल जैसे अडानी जैसे बड़े कंपनियों के लिए आरती स्पंज मतलब SR ये बड़े बड़े कंपनियों के लिए ये फोर्स यहाँ लगाया गया उनके फायदा पहुंचाने के लिए, ना कि आदिवासी हित के लिए, आदिवासी के जल जीवन के लिए नहीं है। और ये नक्सलवाद की बात करते हैं, नक्सलवाद को हम खात्म करने के बाद आप ये बताइए, नक्सलवाद के खात्म के लिए कितने साल हो गए, तो लड़े जा रहे। जब देश को आजाद करने के लिए हमारे देश के पूरे साथी मिलकर हमारे उस समय देश के लिए लड़ लिए, उसकी जब अंग्रेजों से इतनी बड़ी आजादी हमारे देश को करा सकते हैं, तो क्या नक्सलवाद से क्या इस चीज के लड़के नहीं करा जा सकते? हो सकता है, लेकिन एक बहाना है नक्सलवाद का नाम, लेकिन वहाँ खात्मा सिर्फ आदिवासी को किया जा रहा है, जेल आदिवासी को भेजा जा रहा है। आपको मैंने बताया कि इस मतलब कोविड ने महामारी बीमारी को कोरोना के चलते कितनी आदिवासी की हत्या हुई है, चाहे वो नक्सल की तरफ से हुई हो चाहे सरकार की तरफ से, ये मायने रखता है 40 से 45 आदिवासी हमारे नहीं रहे। तो आप बताइए कि ये जो फोर्स आके किसी महिलाओं के साथ छेड़छाड़ है, हमारे जो भाइयों के साथ मारपीट, इतना मतलब मानसिक रूप शारीरिक रूप से सिर्फ मारपीट इस तरह से किया जा रहा है, तो हम कैसे माने कि ये फोर्स हमारी सुरक्षा के लिए, हमारे आदिवासी की सुरक्षा? कोई भी नहीं मानता है, वो मैं ही नहीं, जितने भी आप आदिवासी के इलाका में जाएंगे तो नहीं, ये तो सिर्फ यहाँ के जो माइनस इतना बस्तर में पड़ा है, पूरी सरकार की मतलब नजर गड़ी हुई है। आप जैसे बोधघाट कभी आपने सुना होगा, बोधघाट में एक जल परियोजना में बड़े विशाल वो सरकार अभी उसमें नजर रखी, उसको करना है। तो यहाँ के लोग बोल रहे हैं नहीं चाहिए, हम जो जिंदगी जैसे जीते थे वैसा, वहाँ कितने मतलब सुनने में आ रहा है कि वहाँ फोर्स लगा के अगर वहाँ के लोग नहीं देंगे तो फोर्स लगाया जाए। यहाँ की पुलिस बल कोई भी चीज को समा नहीं, आदिवासियों का जो हमारे घरों में घुस के अंदर घुस के लूट पाट हर तरह के, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है सारी चीजें, तो ये चीज है। लेकिन फोर्स अगर आई है तो फोर्स ये बता दे, हमारे आदिवासियों को विश्वास दिला दे कि हम आपके लिए आए हैं, आपकी सुरक्षा, कैसे सुरक्षा? ये कोई सुरक्षा नहीं, कितने महिलाओं का साथ बलात्कार हुआ, पैदा गेलूर चिन्ना गेलूर आपका बेलम नेंड्रा में आए दिन महिलाओं के साथ मारपीट छेड़छाड़ सब चीजें तो हो रहा है, तो कैसे मानेंगे कि ये हमारे लोगों की के लिए आई है फोर्स? और ये नक्सलवाद की खात्मा की बात करते हैं, ये है। तो किस तरह का अभी आप मैसेज देना चाहेंगी लोगों को कि किस तरह से समझे इस संघर्ष को, कि एक उम्मीद है आगे कि संघर्ष जो है वो जारी रहेगा, और किस तरह का मैसेज जाना चाहिए जनता की तरफ की क्या, किस तरह से वो लड़ाई में समर्थन दे? देखिए, अगर इन आदिवासियों के साथ, हम आदिवासियों के साथ इनके जंगलों के छेड़छाड़ और इस तरह से किया जब होगा, और इनके साथ इस तरह के अत्याचार को बढ़ाते रहेंगे, तो यहाँ आंदोलन होंगे, और उस आंदोलन कहते हैं ना, आंदोलन से आपका क्या भविष्य है और आप आंदोलन को कैसे देखते हैं, ये बातें कई लोगों ने पूछता है। आंदोलन जब करते हैं हम एकजुट होके करते हैं ना, आंदोलन से एक भविष्य दिखता है, वो ये भविष्य हम लोग मतलब दूर दूर तक का दिखने को आता है कि क्योंकि आंदोलन से क्रांति आती है, वो क्रांति हमारे जल जंगल जमीन को छीनने से वो क्रांति रोकने में बहुत कुछ सहयोग करता है, ये हमारे इसलिए आंदोलन एक क्रांति में बदलती है। और जब तक क्रांति में नहीं बदल के इस तरह नहीं लड़ेंगे तो हमारे जल जंगल जमीन तो यूं ही छिन जाएंगे और वैसी बेगर कर देंगे, फिर अडानी हो या जिंदल हो टाटा हो या जो छोटे छोटे कई आर्थिक की एक कंपनी के नाम पे डिपो, कई छोटे छोटे से बड़े कंपनी जो बड़े बड़े हैं वो सारे आके हावी हो जाएंगे। इसलिए हमारे हम यही कहते हैं कि हम आंदोलन से हमारी क्रांति है, क्रांति से हमारे जल जंगल जमीन को छीनने से ये करने से वो हम बचाने की पूरी प्रयास करेंगे और इसी से हम बचा पाएंगे। और वो तो कानून प्रक्रिया में तो जाएंगे तो लंबा लड़ा, वो भी हम नहीं छोड़ते हैं, जो भी लीगली रूप से जो कानून से कोर्ट से वो भी हमारी लड़ाई है, ये बहुत जरूरी ये चीज है। और मैं ये कहना चाहूंगी कि यहाँ जो फोर्स है या फिर जो बार बार पूरे देश भर में कहा जाता है कि आदिवासी विकास नहीं चाहते, आदिवासियों को तो माओवादी बड़का के रखे हैं, उनको बहला के रखे हैं, अरे भाई माओवादी से आदिवासी क्यों वो लोग हमारे लोगों को भला फुसला लेंगे? हमारा ये कहना है कि इन आम आदिवासी की जल जंगल जमीन से छेड़छाड़ मत कीजिए, और हमारी जमीनों को छीन के अडानी जैसा जिंदल जैसे ऐसे बड़े उद्योगपति के हाथों में मत दीजिए, वो हमारे पास ही रहने दीजिए, और मारना पीटना जेल भेजना उसकी हत्या करना
ये सारे बंद करिए। अगर ये होता रहेगा तो बस्तर में क्रांति आ चुकी है, इन्हीं आंदोलन से क्रांति आई है, और ये ही होता रहा तो इससे बड़ी जिस दिन क्रांति आएगी उस दिन या जो सरकार की जो सोच है यहाँ की नजर है ना वो बहुत ही उनके लिए भारी पड़ने वाली है, ये तो तय है। और ये कहा जाता है कि आप आंदोलन से क्या कर पाते हैं, आंदोलन से हम एक क्रांति लाते हैं, वो क्रांति हमारे जल जंगल जमीन हमारे बहनों की इज्जत हो या हमारे भाइयों की साथ जुल्म हो रहे उसको बचाने में उनको मतलब एक उनको मतलब हम इस तरह से होते हुए न्याय दिलाने कुछ हद तक वो मिलता है और मिल भी रहा है जी। ये है ये कहना चाहती हूँ। इसी नोट पर ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आपने कई चीजें बताई हैं कि जमीनी हकीकत क्या है, किस तरह से आदिवासी जो हैं अपने जल जंगल जमीन का संघर्ष जारी रख रहे हैं और कितना ये आंदोलन आगे चलता रहेगा, इन सब चीजों पर हमारी दृष्टि डालने के लिए, इन सब चीजों पर एम्फोसिस डालने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। इसी बात पर आज हम अपना इंटरव्यू खत्म करेंगे, इस बात को खत्म करेंगे। और सोनी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और न्यूज़ क्लिक आपको जमीनी हकीकत हमेशा दिखाता रहेगा, आदिवासियों की स्थिति पर भी आपको रेगुलर अपडेट्स देता रहेगा। देखने के लिए शुक्रिया। We'll be right back.